सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू अपकमिंग हंटर 350 के लॉन्च अपडेट्स। कहा यह जा रहा है कि हंटर 350 के टेस्टिंग फेलियर के कारण इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब हाँ, इसका लॉन्च डिले आपको जरूर लेट देखने को मिल सकता है, बट इसे डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करा गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। सो रॉयल एनफील्ड इस पे पिछले 3 सालों से वर्क कर रहा है। मेन रीज़न जो अभी इसकी टेस्टिंग को स्टॉप किया गया है, अभी चेन्नई में मॉनसून चल रहा है, वहाँ पर ही रॉयल एनफील्ड के बाइक्स की टेस्टिंग होती है। सो मॉनसून के टाइम पे टेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है फॉर राइडर सेफ्टी। एंड सेकेंडली, कंपनी का मेन फोकस है आज की डेट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च की तरफ, एंड सप्लाई इशू को भी नॉर्मल करना बिग प्रायोरिटी है रॉयल एनफील्ड के लिए। पहले क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च होगा, उसके बाद ही रॉयल एनफील्ड इसे लॉन्च करेगा। सो अपकमिंग हंटर 350 में आपको क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड इस बाइक का इंडिया में लॉन्च कब होगा, डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बाइक के रिलेटेड। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इसमें आपको स्क्रैम्बलर लुक्स में देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको वाइब्रेंट कलर की ऑप्शन भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको फ्लैट सिंगल सीट भी मिलेगी। फ्रंट की लुक्स इस बाइक में आपको काफ़ी सिंपल स्टाइलिंग में देखने को मिल रही है, एंड इस बाइक में आपको साइड लुक्स काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक इस बाइक में आपको काफ़ी स्लीक शेप में मिलेगा, एंड इस बाइक में आपको प्रीमियम स्विचेस भी मिलेंगे। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, एंड इसमें आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा। इसमें आपको अप फ्रंट हैंडल बार्स भी देखने को मिलेंगे फॉर मोर राइडिंग कम्फर्ट, एंड इस बाइक में आपको राउंड शेप हेडलाइट भी देखने को मिल जाएगी। मीटर कंसोल में इसमें आपको स्पीडोमीटर के साथ ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाएगा, एंड इस बाइक में आपको एलुमिनियम के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में इसमें आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिल जाएगा। अगर हम हंटर 350 के फीचर्स की बात करेंगे, इस बाइक में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करे जाएंगे, इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट के साथ राउंड DRLs भी मिल जाएंगे, एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, एंड इसमें आपको इजी क्लच भी मिल जाएगा। इस बाइक में आपको स्मूथ गियर शिफ्ट भी मिलने वाला है, एंड इसमें आपको LED इंडिकेटर्स के साथ राउंड शेप LED टेल लाइट भी मिल जाएगी। व्हील साइज इस बाइक में आपको फ्रंट एंड रियर में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे विद ट्यूबलेस टायर। अगर हम हंटर 350 के इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 349cc का एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा, एंड पावर इसमें आपको 20.2 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा। टॉर्क इसमें आपको 27 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा, एंड नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 स्पीड गियर मिल जाएंगे। ओवरऑल माइलेज इस बाइक में आपको 36 km/L के हिसाब से मिलने वाली है, एंड टॉप स्पीड इसमें आपको 120 km/h के हिसाब से ये बाइक जनरेट कर देगा। इस बाइक में आपको मॉडर्न रेट्रो स्क्रैम्बलर लुक्स देखने को मिलेंगे, एंड इसमें आपको टोटली रिफाइंड इंजन भी देखने को मिल जाएगा, एंड इस बाइक में आपको प्रीमियम स्विचेस भी मिलेंगे। इस बाइक में आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, एंड इसमें आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी मिलेगा फॉर लॉन्ग राइड्स। अगर इस बाइक के हम कलर ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें आपको सिंगल कलर की ऑप्शन, एंड इसमें आपको ड्यूल टोन कलर की ऑप्शन भी मिल जाएगी, एंड इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलेगी, जैसे ग्लॉसी कलर एंड मैट कलर की ऑप्शन भी मिलेगी इस बाइक में। अगर हम हंटर 350 के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का स्टार्टिंग प्राइस आपको 1,90,000 rupees देखने को मिलेगा। अगर हम हंटर 350 के लॉन्च की बात करेंगे, हंटर 350 का लॉन्च आपको 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। सो रॉयल एनफील्ड इस बाइक को बहुत ही जल्द लॉन्च करेगी इंडिया में, तो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।